पानीपत में रिटायर्ड एसडीओ से युवती द्वारा खुद को बगदाद में सर्वेंट बताकर 3 लाख की ठगी कर ली गई है। पुलिस ने रिटायर्ड एसडीओ की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पानीपत के एक रिटायर्ड एसडीओ से ठग युवती ने व्हाट्सएप पर बातचीत कर उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। युवती ने कहा कि वह आतंकी प्रभावित क्षेत्र में रहती है, जहां से वह निकलना चाहती है। उसके पास काफी मात्रा में डॉलर भी है, जो वह अपने साथी के हाथ पानीपत भेज देगी। पीड़ित रिटायर्ड एसडीओ ने बताया कि युवती ने उन्हें 40% रकम देने का लालच भी दिया। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर दौलत से भरा बॉक्स पकड़े जाने की बात कहकर क्लियरेंस के लिए कुछ पैसे की डिमांड की। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 3 लाख जमा करवा लिए गए। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का कहना है कि रिटायर्ड एसडीओ द्वारा इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरहाल ठगों द्वारा भोले भाले मासूम लोगों को झांसा या कुछ लालच देकर फंसाए जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं, जिसमें ठग लोगों से लाखों रुपए के धोखे से अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। उसके बाद पीड़ित हाथ मसलते रह जाते हैं। आप सबसे अपील करते हैं कि इस तरह के मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ठगों के झांसे में ना आए। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। जेसिका जो बगदाद में रहती है, कहने लगी मैं एक यूएसए की लड़की हूँ और यहाँ मार्गरेट सार्जेंट लगी हुई हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर में मैं मार्गरेट सार्जेंट लगी हुई हूँ। तो कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि आप एक अच्छे आदमी हो, धार्मिक आदमी हो और परमात्मा से जुड़े हुए आदमी हो, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कहते हैं मेरी कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरी मदर बीमार है, तो मुझे उसके लिए आपसे कुछ हेल्प चाहिए और उसका ऑपरेशन करवाना है। और उसने ये भी कहा कि मेरे पास जो है ना, यहाँ जो मुझे खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है इस एरिया में ना, बगदाद एरिए में, इराक एरिए में, तो वहाँ पर टेररिज्म की काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। तो कहती है कि मुझे यहाँ खतरा है और मेरे पास जो है ना 5.6 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं माइन में, मुझे कहीं से मिल गए थे तो वो मैंने रख रखे हैं। तो मेरी अपनी सारी ज़िंदगी की जो ना जो कमाई है ये, तो मैंने ये रख रखे छुपा के, कोई ले ना जाए। तो इस तरह से उसने मेरे को बातों में मतलब ऐसा प्रभाव डाला कि मैं उसकी बातों पर विश्वास करने लग गया। वो कहती है कि मैं ये 5-6 मिलियन डॉलर आप अपने जो इराक का जो डिप्लोमेट है डेविड मार्क, और सूडानी है, काले रंग का है, 43 वर्ष की करीब उसकी उम्र है, तो वो आपके पास आएगा बॉक्स लेकर के और उस पर येलो टैग लगा हुआ होगा, तो वो जो है ना मुंबई आएगा और मुंबई से फिर वो बॉक्स को क्लियरेंस करवा करके आपके पास पानीपत पहुंच जाएगा। तो वो कहती है कि मैं वहाँ यहाँ रहना नहीं चाहती, क्योंकि आप एक जेंटल आदमी हूँ, इंडिया में अपना काम करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो मैं यूएसए की लड़की हूँ और वहाँ रहती हूँ, बगदाद में रहती हूँ। तो इस तरह से उसने मेरे को मतलब बातों में जो ना मतलब इफेक्ट में ले लिया और कन्विंस करने की कोशिश की, कन्विंस किया उसने मेरे को। तो मैंने कहा ये रिस्क वाला काम है, मेरे से नहीं होगा। बोले रिस्क कुछ नहीं, आप कम से कम विश्वास करके तो देखो मेरे ऊपर। तो वो फिर कहती मैं अपने डिप्लोमेट को दे दूँगी, वो जेट से जो ना इसे बॉक्स को जो ना जिस पे येलो टैग लगा हुआ है ये मतलब जो वहाँ ले आएगा आपके पास पानीपत, और उसमें जो ना पर्सनल बिलोंगिंग्स लिखा हुआ होगा कि ये पर्सनल घर के लिए जो है ना, घर की वस्तुओं के लिए जो है ना, या मतलब जो है ना सामान है, वो चेक करेगा तो देख लेगा ना सामने पर्सनल बिलोंगिंग है उसमें थे। वो कह रही है 5-6 मिलियन डॉलर जो मैंने बचा के रख रखे हैं खदान में, माइन में होगी वहाँ पर कोई माइन। तो इस तरह से उसने मेरे को बातों में प्रभाव में डाल दिया और कहती है कि मैं वहाँ आऊँगी, मेरे को जो है ना कोई भी काम जैसे मोबाइल की एक्सेसरीज का कोई काम खिलवा देना। आप जेंटल से आदमी लगते हो, स्पिरिचुअल आदमी लगते हो, धार्मिक आदमी लगते हो, तो आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो मैंने इस तरह से उसकी बातों में आ गया मैं, और वो उसने मेरे को थोड़ा सा ये भी कहा कि मैं आपको कुछ उसमें से इंसेंटिव दे दूँगी 40% दे दूँगी मैं आपको, और 60% मैं रख लूँगी, मैं मुझे 40-40% का तो कोई लोभ है नहीं, बाकी आप अपना काम चलाना चाहे तो आ सकती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पैसे कैसे लिए हैं? आपके डिप्लोमेट जिसका नाम डेविड मार्क था, डेविड मार्क है, वो बम्बई एयरपोर्ट पर मतलब जो है ना आया, तो उसने कस्टम अधिकारियों ने जो है ना फिर वो बॉक्स को स्कैन किया,
तो वो कहता है डिप्लोमेट कि इसमें तो जो ना मतलब 5-6 मिलियन डॉलर है, इसमें डॉलर हैं काफ़ी तादाद में, 5-6 तो उसने नहीं कहा कि उसने कोई गिने थोड़ी थे, इसमें काफ़ी मतलब डॉलर पड़े हुए हैं और ये जो है ना स्कैन कर दिया गया है और इसमें जो आपको इतना पैसा लगेगा। तो उसने रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो मेरे से 42,500 का चेक कटवाया जय कुमार के नाम से, जो कस्टम अधिकारी है, SBI बैंक का खाता नंबर दे रखा है। और फिर जो है ना उसने जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए 98,200 का एक चेक कटवाया उसी जय कुमार के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और फिर जो है ना जब ये काम हो गया, चेक कट गए, तो फिर उसने जो है ना कहने लगी NOC भी चाहिए कि इसके लिए NOC के, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उनका कोई ऑफिस, तो उससे 80,000 के दो चेक और SBI के नाम कटवाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम कटवाए। देखिए थाना 13-17 में एक कंप्लेंट आई थी कि कोई रिटायर्ड SDO MGM नाइन क्लेम रहते हैं, उससे कोई विदेशी महिला बनके उसके पास कॉल आती है किसी फेक नंबर से और वो किसी तरीके का उसको लालच दे के उससे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेती है। तो इस प्रकार की एक FIR दर्ज हुई है हमारे 13-17 में और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने लाख की? 3 लाख के करीब उसने कंप्लेंट की है, बाकी तो अभी बाद में उसकी डिटेल स्टेटमेंट होगी तो पता लगेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।